चल गई हैं। सर आने आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैसी गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेनी चाहिए। इसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है, जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले। नमस्कार हिंदुस्तान टाइम्स 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह का बयान आया है, ममता सरकार के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि दिया बुझने से पहले भभकता है, ममता दीदी अब अंत होने वाला है, अंत दिशा में चल रही है, आने वाले समय में उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस का गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कभी कुछ नहीं किया। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे थे संतोष कुमार। चल रहा है भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से हैं और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है, तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेनी चाहिए। इसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है, जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। याद नहीं है उसको, अभी वो आदमी जिसको, जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है वो आदमी 24 घंटा के पहले, कहती है कि बड़ा हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है, एकदम कहीं से जायज नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। जिस तरह बीजेपी आग लगा रही है वो बिहार, असम और उड़ीसा तक जाएगी। बीजेपी न आग लगाती है न आग लगाने की प्रवृत्ति रखती है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है, पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है, अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करे कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए, किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छोड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती है, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं, इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है जो महिला का संवेदनशील स्थिति में अपने कोई डिसीजन नहीं ले पाए, पूरी दुनिया का अदालत छोड़ देगी लेकिन लोकतंत्र का अदालत, बंगाल के लोकतंत्र का अदालत माफ नहीं करने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स 24 पर। धन्यवाद।